यस गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th एनसीईआरटी का सर्कल चैप्टर। स्टार्ट करने के पहले थोड़ा कुछ 9th का जो है जो पार्ट हमको पता होना चाहिए वो यही है कि भाई सर्कल का डेफिनेशन क्या है। बाकी अगर कुछ भी नहीं पता 9th के इससे, क्योंकि ये चैप्टर हो चुका है 9th में भी, सेम नाम से चैप्टर था और 9th में उल्टा और ज्यादा कंसेप्ट है इसमें। इतने कंसेप्ट तो अभी पढ़ने भी नहीं है 10th में, इजी है 10th में पूरा पार्ट। तो अपने को 9th में जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है सर्कल का। यहाँ पे से तो कुछ बेसिक पॉइंट्स तुम लोग क्लियर करने वाले, बस वही है बेसिक नॉलेज लेने वाले। और तो यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि सर्कल का डेफिनेशन क्या है। सर सर्कल गोल है, सर्कल केक है, सर्कल बॉल है, ऐसा कुछ भी फालतू डेफिनेशन दो मत। नाउ एक सर्कल के ऊपर मैंने एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, वो फिक्स पॉइंट जो था वो सेंटर था, तो मैंने सेंटर से सर्कल के ऊपर कुछ सेगमेंट्स बनाए। अब इन सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इन सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं सर रेडियस, ये सबको पता है। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा, और ये क्या है जो एक पॉइंट है वो क्या है सर्कल। अब ये क्या है, ये सब क्या है भाई, ये रेडियस जो है ये किधर जा रहा है, सब एक एक पॉइंट पे जा रहा है और सबको मिला के क्या बनेगा, कलेक्शन सेट। तो सर्कल क्या है, सर्कल एक कलेक्शन है किसका, पॉइंट्स का, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। और तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर, ये प्लेन में ना ये भाई, ये प्लेन में लाया कर रहा है, टू डायमेंशनल चीज है। तो प्लेन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विडिस्टेंट यहां पे भी हो सकता है, इधर ये वाला पॉइंट भी यहां से सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, बट ये थ्री डायमेंशनल हो जाएगा, नहीं भाई वो सर्कल नहीं है। सर्कल क्या है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वेयर फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या था सर्कल का डेफिनेशन। अपने को 9th से फिर इतना ही चाहिए, और तो बहुत कुछ है, फिर मैं अगर वो कराते जाऊंगा तो वही होगा फिर। फिलहाल 9th से अपने को सिर्फ उतना ही काम है, ठीक है, और है मेजर मेजर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है, वो सब अभी यहां पे इतना यूज का नहीं। कॉर्ड सिर्फ याद रखना, कॉर्ड क्या है, कॉर्ड एक सेगमेंट है, ठीक है, जो सर्कल को दो पॉइंट, ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये हम लोग ने ऑलरेडी किया होगा, चलो ठीक है कोई नहीं, हाँ ये याद रखना। नाउ अब सर्कल से पास होती हुई तीन टाइप की लाइन होती है। सर्कल से पास होती हुई कितने टाइप की लाइन होती है भाई, तीन टाइप की लाइन सर। एक होती है नील, नील मतलब कुछ नहीं, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। एक होती है टेंजेंट, जो सिर्फ छू के निकल जाती है, दैट इज एट वन पॉइंट इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड, जो इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, सो समझो ये एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, एक सर्कल है मेरे पास, मैं यहां पे बना लेता हूं, ये एक सर्कल है मेरे पास, उसमें मैंने तीन लाइन बना दी, उसमें मैंने तीन लाइन बना दी, इसमें मैंने तीन लाइन बना दी, एल एम आर एन। तो बताओ भाई नील कौन सा, टेंजेंट कौन सा और सीकेंट कौन सा, ठीक है, बताओ सोचो फटाफट।
ओके सिंपल है भाई, सर ये नील है क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा। ये सर एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तो ये टेंजेंट है, और ये सर दो पॉइंट से पास हो रहा है तो ये सेकेंट है। तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है बच्चों? फिर टेंजेंट इज अ लाइन, सेगमेंट भी हो सकता है वो रे भी हो सकता है, तो बट लाइन बेसिकली। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट ऑन द सर्कल, एट ओनली वन पॉइंट ऑन द सर्कल, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, छूके निकल जाएगा। सेकेंट का क्या होगा? सेकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। क्लियर है? कॉर्ड में फर्क है, कॉर्ड एक सेगमेंट है, सेकेंट एक लाइन है, ये फर्क है कॉर्ड और सेकेंड में। यस ओके। नाउ ये नील और एस को निकाल देते क्योंकि अपना जो मेजर पार्ट है वो तो टेंजेंट पे बेस्ड है, तो इसके लिए उसको रख देते। नाउ मैं बोल रहा हूं टेंजेंट को घुमाओ जरा, ये पॉइंट के अलोंग घुमाओ। तो ये पॉइंट के अलोंग तुम लोग ने घुमाया, ऐसे होगा क्या? ये टेंजेंट है भाई अब? नहीं, ये तो दो पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, बट ये मैं रॉन्ग बनाया थोड़ा सा, मैं इस पॉइंट के अलोंग घुमाना चाहता हूं जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट है। क्या ये टेंजेंट है भाई अब? नहीं, अब नहीं, अब भी नहीं, अब तो डेफिनेटली नहीं, अब भी नहीं, अब भी नहीं। तो क्या मैं बोलू ये टेंजेंट जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे बन रहा है? टेंजेंट जो बन रहा है वो एक ही पॉइंट पे बन रहा है, और वो एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट बन रहा है? एक। मतलब अगर किसी ने कल उठ के तुमसे पूछा कि एक पॉइंट पे सर्कल के कितने टेंजेंट बनते हैं तो एक, एक पॉइंट पे सर्कल के कितने टेंजेंट बनते हैं तो एक, एक पॉइंट पे सर्कल के कितने टेंजेंट बनते हैं तो एक, और किसी ने कभी पूछा कि एक पॉइंट पे कितने सेकेंड बनते हैं तो ये तो सब सेकेंड है, और ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइट सेकेंड्स बन सकते हैं यहां पे। बट अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट लू तो 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 कितने बनेंगे? तो कितने बनेंगे? ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। दैट मीन्स एक सर्कल पे किसी ने पूछा कितने टेंजेंट है तो इनफाइनाइट, बट एक सर्कल पे एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट है तो एक। समझ रहा है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सर्कल को कट करता हुआ टेंजेंट का पॉइंट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो इतना नॉलेज काफी है अपन फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बहुत सिंपल है, ठीक है, एक्चुअली में उससे मैंने जो ऑलरेडी सब कुछ करा दिया वही है, ठीक है। चलो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? कैन अ सर्कल हैव एट वन पॉइंट पूछा, कैन अ सर्कल हैव कितने? इनफाइनाइट। नेक्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड इन टेस्ट पॉइंट वन पॉइंट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज सीकेंट। सॉरी, अ सर्कल कैन हैव अ डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ये सर्कल है समझो, तो यहां पे और ये का पैरेलल है, ये और ये का पैरेलल है, ये और ये का पैरेलल है, नहीं ये पैरेलल है तो एटमोस्ट कितने? सिर्फ दो ही पैरेलल हो सकते, ठीक है, ओके सो दो, ठीक है। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ओके। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा थियरम बेस्ड है, ठीक है, वो थोड़ा सा थियरम बेस्ड है, ठीक है, तो अपने को थियरम का नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पहले हम लोग वो थियरम कर लेंगे, ठीक है। सो थियरम का स्टेटमेंट लिखो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट
एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल. ठीक है, मतलब क्या? तो समझो एक सर्कल दिया मेरे को, मतलब क्या होता है? समझो एक सर्कल दिया मेरे को, मेरे को एक सर्कल दिया और उन्होंने बोला कि वहां से एक टेंजेंट पास हो रहा है, एक पॉइंट से. ठीक है, अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सॉरी रेडियस एट एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट. वापस लिखना स्टेटमेंट पूरा, मैं वापस रिपीट करता हूँ. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो एक रेडियस है अपने पास, ठीक है, और ये टेंजेंट है. टेंजेंट मैं बोल रहा हूं एल, मैंने नाम दे दिया एक्स वाई लाइन, एल का पॉइंट का नाम दे दिया एक्स वाई, और ये जहां पे इंटरसेक्ट किया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो पी नाम दे दिया उसको, और सेंटर है ओ. ठीक है, तो मेरे को प्रूव करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये मेरे को प्रूव करना है. ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये प्रूव करना है. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. वापस मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, नहीं लिखा है तो लिख लो अच्छे से. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. चलो देखते हैं अभी. कैसे कर टेंजेंट, तो अभी अभी सीखा अपने पास, ऐसा कोई डायरेक्ट तो है नहीं उसके लिए. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते कि कोई और पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर कोई और पॉइंट हम लोग ने ले लिया एस. ठीक है, अब ये एस को मैंने जॉइन कर दिया किससे भाई, ओ से. तो मेरे को बताओ भाई, ओ एस और ओपी का इक्वल हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि अगर ओ एस और ओपी इक्वल हो गया मतलब तो वो सेम पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है. मैंने बोला है एस डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो ओ एस या तो ओपी से बड़ा होगा या ओ एस ओ पी से छोटा होगा. अब अगर ओ एस ओपी से छोटा है तो सर्कल के अंदर लाए करेगा, बट ये तो लाइन पे लाए कर रहा है, और अगर लाइन पे लाए कर रहा है तो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता हुआ लाइन तो जा रहा है, मतलब अंदर तो नहीं जा सकते. तो ओ एस जो है वो ओपी से बड़ा है. अब अगर ओ एस ओपी से बड़ा है तो ऑब्वियस है ये भाई क्या है, लाइन के बाहर लाए कर रहा है, सॉरी सर्कल के बाहर लाए कर रहा है. सेम वे मैंने दूसरा पॉइंट लिया, वो भी का सर्कल के बाहर लाए कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैं ले लूंगा तो मेरे को क्या समझ में आएगा भाई कि सबके सब पॉइंट जो है वो सर्कल से बाहर लाए करने वाले. सर्कल के ऊपर ये कितने पॉइंट लाए करते, एक, और अगर ये ओएस जो है ये लाइन, ठीक है, ओएस जो है वो ओपी से बड़ा है, अगर ओएस जो है वो ओपी से बड़ा है अगर, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाए करते होंगे, तो वो डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, सॉरी वो जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा. बट हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर, और ओपी कब परपेंडिकुलर होगा, जब ओ पी जो है वो सबसे छोटा सा डिस्टेंस होगा तब. क्लियर है, मैं वापस पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, स्टार्ट करते हूँ. गिवन O is the center of circle, ये दिया हुआ है. ठीक है, next OP is the radius of circle. ठीक है,
xy is the tangent of circle at point P. ठीक है, टू प्रूव प्रूव क्या करना, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. नेक्स्ट इज प्रूफ. नेक्स्ट क्या करना, प्रूफ करना. ठीक है, जिसको आ चुका है समझ में उन लोग स्टार्ट करो और खुद से ट्राई करो आगे का. ठीक है, जिसको नहीं आना थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करते. चलो देखते प्रूफ. ठीक है, टेक एनी पॉइंट एस अदर देन पॉइंट पी ऑन लाइन एक्स वाई. ठीक है, टेक एनी पॉइंट एस अदर देन पी ऑन लाइन एक्स वाई. ठीक है, पॉइंट एस मस्ट लाई ऑन द आउटसाइड ऑफ सर्कल. ऐसा कैसे सर, अंदर क्यों नहीं? क्योंकि अगर पॉइंट अंदर लाई कर दिया, भाई वही तो बोल रहा था ना मैं कब से कि अगर अंदर लाई कर दिया तो आगे जाके ये क्या बन जाएगा, सीकेंट. ठीक है, आगे जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट. बट एक्स्ट्रा अपने को दिया हुआ है, टेंजेंट है यहां पे. रीजन क्या आएगा यहां पे. ठीक है, सिंस यहां पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे लिखते पॉइंट. सिंस पॉइंट एस कैन नॉट लाई ऑन द इनसाइड ऑफ सर्कल. ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं लाई कर सकता वो भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एक्स वाई इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. एक्स वाई इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, इसके लिए वो एक ही पॉइंट. देयरफॉर OS is greater than OP. Sorry, अगर बाहर लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली रेडियस से बड़ा हो गया, ये लास्ट ईयर का कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई. बाहर है तो ऑब्वियसली OS OP से बड़ा होगा. दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट ऑफ लाइन, एवरी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई अदर देन पी. और यही चीज हर एक पॉइंट के लिए वैलिड करेगा, अदर देन पी. कोई भी पॉइंट ले लो वो हमेशा ओपी से बड़ा ही होने वाला है. देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन एक्स वाई. देयरफॉर अगर सबसे छोटा डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. इसके लिए ओपी जो है वो परपेंडिकुलर किससे, एक्स वाई से. हेंस प्रूफ. क्लियर है, ये पूरा पार्ट अच्छे से एक बार गो थ्रू करके लो, समझ के लो. मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उसके पहले स्क्रीनशॉट लेके लो. क्लियर है, चलो फटाफट. चलो डन. ओके, ना मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं. हमको क्या प्रूफ करना है भाई, क्यों टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. हमको प्रूफ करना है ये ओपी जो वो तो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई टेंजेंट से. गिवन क्या है, ओ सेंटर है, ओपी रेडियस है, ओपी जो वो रेडियस है. ठीक है, एक्स वाई जो टेंजेंट है सर्कल का कहां पे, एट पॉइंट पी. प्रूफ क्या करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. प्रूफ
हम लोग ने कोई एक पॉइंट मान लिया, क्योंकि अपने को टेंजेंट का ज्यादा नॉलेज नहीं था इसके लिए अभी तक, हम लोग ने एक मान लिया क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया, तो हम लोग ने दूसरा एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, एनी पॉइंट एस अदर देन पॉइंट पी ऑन लाइन एक्स वाई। ठीक है, अब ये पॉइंट जो लिया है वो पॉइंट एस जो लिया हम लोग ने वो बाहर ही लाए करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर वो अंदर की तरफ लाए करेगा तो वो तो क्या बन जाएगा भाई, वो जो लाइन है वो तो सिकेंड बन जाएगा। बट अपने को दिया हुआ है कि एक्स वाई इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये गिवन है ना। ठीक है, देयरफॉर ओएस जो है अगर बाहर लाया कर रहा है तो ओपी से बड़ा होगा, और ये सब पॉइंट्स के लिए ट्रू है। किससे? अदर देन पी। देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन एक्स वाई। अगर ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है तो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। डन, ये कर लो, फिर एक थियरम करेंगे, एक सम, और उसके बाद में स्टॉप करेंगे आज के लिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पहले ये कर लो फटाफट। चलो डन, ओके, नो नेक्स्ट थियरम थोड़ा सा, दो ही थियरम है पूरे चैप्टर में, एक ही है और एक जो अभी करा रहा वो। ठीक है, ये तो कुछ था भी नहीं वैसे भी, अब ये एक लास्ट थियरम है और फुल पूरे चैप्टर में कोई थियरम नहीं है। ठीक है, थियरम का स्टेटमेंट लिखो, टेंजेंट्स टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ऐसा लिखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब ऐसा कैसा? अब सबसे पहला चीज समझो कि एक सर्कल है और ये बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर का पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट, ये पता है, अंदर का पॉइंट इंटरनल पॉइंट, सर्कल के ऊपर का पॉइंट ऑन द सर्कल। इसके ये पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट्स बना सकता हूं? एक ऐसे जाता हुआ, अच्छे से मैंने बनाया नहीं, ठीक है, एक ऐसा जाता हुआ और एक ऐसे जाता हुआ। ठीक है, नहीं मिला मतलब मैंने ढंग से नहीं बनाया, ये तो टेंजेंट ही नहीं है। ठीक है, ओके, मैंने आगे एक्सटेंड, तो ये पॉइंट से अगर मैं अभी और कितने भी बनाऊ ना सर्कल के ऊपर, वो सब सिकेंड बनेंगे, वो सब क्या बनेंगे? सिकेंड बनेंगे। तो इसका मतलब क्या समझा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग कितने टेंजेंट बना सकते हैं भाई? दो टेंजेंट। और जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, मतलब जो दो तुम लोग ने बनाए ना टेंजेंट्स वो इक्वल है, ये प्रूफ करना। ठीक है, चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, फिर देखेंगे कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, चलो पहले सर्कल बना लेता हूं, यहां पे साइड में बनाता हूं। ठीक है, चलो ये सर्कल है, यहां पे से मैंने तो टेंशन बन रहा। पॉइंट को मैंने नाम दिया पी। ठीक है, और ये जहां पे मिले उस पॉइंट्स को नाम दिया क्यू और आर। ठीक है, मेरे को प्रूव करना है कि पी क्यू और पी आर जो है वो इक्वल है। अब यहां पे एक सेंटर बना लिया ओ। ठीक है, चलो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर आगे का सोचते। गिवन क्या? ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल,
नेक्स्ट पी क्यू एंड पी आर आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है, प्रूफ क्या करना है, पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू. ठीक है, ये प्रूफ कर. चलो सोचते हैं कैसे करेंगे हम. ना मैंने जब लास्ट ईयर ट्राइंगल्स कराया था तो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था. मैंने बोला भी था कि ये आगे हर टाइम रिपीट होते रहेगा. ठीक है, तो वहां पे मैंने कुछ पार्ट बताया था कि कभी भी कोई भी दो चीज इक्वल प्रूव करना है, चाहे वो दो इक्वल साइड्स हो या दो इक्वल एंगल, हमेशा हम लोग जाएंगे किसके पास, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के पास. बट यहां पे तो सर ट्राइंगल ही नहीं, क्या मैं कंस्ट्रक्शन से बना सकता हूं भाई? तो मैंने सबसे पहले तो क्या कंस्ट्रक्ट किया, ओ क्यू और ओ आर, और ये क्या है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इनको मैं रेडियस भी बोल सकता हूं. बट सर ये तो बन गया क्वाड्रिलेटरल, अपने को चाहिए क्या, ट्रायंगल. क्या मैं ओपी को ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि दो ट्रायंगल्स चाहिए ना. ओके, नाउ इसमें बच्चों ओपी जो है वो तो ओपी से इक्वल है. क्यों भाई, कॉमन साइड. ओ आर जो है वो ओ क्यू से इक्वल है. क्यों भाई, रेडा ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल है तो भाई रेडियस भी सेम. और एक चीज चाहिए, या तो एक और एंगल या फिर साइड, साइड मिलेगा नहीं क्योंकि वो प्रूफ करना है, तो एक और एंगल चाहिए. ये मिल गया, एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर, रीजन ईच 90 डिग्री. और उसका रीजन सर 90 कैसे, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो ये क्या मिल गया, वाई एस एस ए टेस्ट. क्या मैं बोलू, हो गया प्रूफ ट्रायंगल इक्वल. नहीं सर, रॉन्ग बोल रहे हो आप, क्योंकि एस एस ए करके कोई टेस्ट नहीं होता है. बट ये 90 है, इसके लिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर एच एस टेस्ट, राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट बोलते हैं हम लोग इसको. ठीक है, यस, तो हम लोग को आता है, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते. तो प्रूफ के पहले हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन लिख लो. कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ रेडा है ओपी एंड ओकी. ऐसे इसको कंस्ट्रक्शन में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बट लिख लो. ठीक है, एंजॉइन एंजॉइन पॉइंट ओ टू पॉइंट बी. ठीक है, ओके, नाउ प्रूफ. नाउ इन ट्रायंगल कौन सा पी ओ आर एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू बराबर भाई, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, रीजन कॉमन साइड, सी एस मतलब कॉमन साइड. नेक्स्ट ओ आर इज इक्वल्स टू ओ क्यू, रीजन रेडाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, नेक्स्ट एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, रीजन ईच 90 डिग्री, या तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ठीक है, नेक्स्ट आगे का मैं यहां पे करता हूं. देयरफॉर ट्रायंगल
POR is congruent to triangle POQ. Reason? RHS test. Therefore, अब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या मैं बोलूं, देयरफॉर पीआर इज इक्वल्स टू पीक्यू. रीजन क्या आएगा, रीजन क्या आएगा भाई, पीआर इज इक्वल्स टू पीक्यू, रीजन क्या आएगा? सीपीसीटी. ठीक है, सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. और महाराष्ट्र बोर्ड वाले अगर देख रहे तो उन लोग ये भी लिख सकते हैं सीएससीटी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. हेंस प्रूव खत्म. हेंस क्या प्रूव? ठीक है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम लोग ने दो चीज प्रूव किया आज पूरे इसमें, पूरे लेक्चर में. क्या दो चीज था? एक सबसे पहला तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर अगर तुम लोग टेंजेंट बना रहे हो तो वो रेडियस से परपेंडिकुलर रहे. नेक्स्ट हम लोग ने क्या प्रूफ किया कि अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से तुम लोग ने टेंजेंट्स बनाए तो वो दोनों टेंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्लियर है उसका प्रूफ यहाँ पे. सो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से. फिलहाल के लिए मैं आप स्टॉप करो, नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे के तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, चलो बाय, हैव अ गुड डे. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बाय.